हेलो 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 ऑडिबल हेलो, एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल? हेलो, क्लास एम आई ऑडिबल? हेलो हेलो, आवाज आ रही है बेटा सभी को? यस सर। ओके, आई थिंक अभी पहले नहीं आ रही थी क्या? इशू था, अभी आ रही है बेटा? आवाज आ रही है ना सभी को? हेलो। यस सर। हाँ, तो बीच बीच में बोल दिया करिए, इससे मुझे पता चले आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है। चलिए ठीक है। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने फ्लक्स डेंसिटी वगैरह कर लिया था, गॉस थ्योरम हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है। तो एक मिनट रुकिएगा, जरा समय आप लोग को शो कर रहा हूं।
ये पेज सभी को दिख रहा है, स्पेस इज विजिबल? हेलो, पेज दिख रहा है सभी को? क्लास पेज दिख रहा है बेटा सभी को? हेलो, पेज दिख रहा है बेटा सभी को? कोई रिस्पांस नहीं आ रहा आप लोग का। हेलो जी सर, दिख रहा है। तो बीच में बोलते ही नहीं हो आप लोग, मैं बार बार पूछ रहा हूँ, आप लोग कोई रिस्पांस ही नहीं देते हैं। ठीक है, तो गॉस लॉ के बारे में डिस्कस करते हैं। गॉस लॉ हमने आपको बताया था, इट स्टेट्स दैट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द नेट चार्ज एनक्लोज बाई दैट सरफेस। कहने का मतलब क्या है, इफ यू सी द सरफेस, ये आपका सरफेस है, ठीक है, इस पे जो नेट चार्ज हमारा इनक्लोज हो रहा है, जैसे मान लीजिए चार्ज सरफेस है तो इसे प्लस चार्ज या नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, जिसको हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको बोलते हैं इनक्लोज चार्ज। ठीक है, जो चार्ज इस सरफेस पे है उसको बोलते हैं इनक्लोज चार्ज। ठीक है, और इस पे से जो फ्लक्स लाइन्स पास हो रही हैं वो साई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन पासिंग थ्रू दिस सरफेस या क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द नेट चार्ज इनक्लोज बाई दैट सरफेस। तो आप देख सकते हैं ये जो फ्लक्स लाइन हमारी पास हो रही है ये इक्वल हो जाएंगी जो हमारा नेट चार्ज इनक्लोज हो रहा है इसके ऊपर, जो भी चार्ज इसके ऊपर है क्यू की वैल्यू वो इक्वल हो जाएगी जो इससे फ्लक्स लाइन्स हमारी ये पास हो रही हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कि इसका अनदर फॉर्म भी है कि गॉस लॉ जो हमारा है वो स्टेट्स दैट द सरफेस इंटीग्रल ऑफ द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। ये दूसरी डेफिनेशन है मैथमेटिकल फॉर्म में कि जो सरफेस इंटीग्रल होता है नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी डी ओवर एनी क्लोज सरफेस सराउंडिंग चार्ज इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज इनक्लोज्ड। कहने का मतलब क्या है, आप देख सकते हैं चूंकि ये सरफेस है, ठीक है, तो अगर हम इस पूरे सरफेस पे हम अगर आप लोग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम पढ़े हैं तो अगर इस सरफेस से हम सरफेस इंटीग्रल फाइंड कर लेते हैं, कहने का मतलब क्या है कि सरफेस इंटीग्रल डी डॉट डी एस, डी क्या है, डी इज द फ्लक्स डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, क्लियर, डी एस इज द डिफरेंशियल सरफेस। तो एक हमने छोटा सा सरफेस लिया यहाँ पे जो कि डी एस है, आप मान लीजिए ये डी एस सरफेस है, ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में जो हमारा फील्ड इंटेंसिटी है इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी है वो डी है, तो डी डॉट डी एस विल बी द व्हाट द सरफेस इंटीग्रल ऑफ द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी डी, क्लियर, जो डी की डायरेक्शन है वो डी एस से परपेंडिकुलर है, जैसे मान लीजिए डी एस है, ठीक है, तो डी आपका इसके परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो अगर मान लीजिए हमें कंप्लीट सरफेस का निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा क्लोज लूप में, तो हमने इंटीग्रेट कर दिया तो वी कैन फाइंड द एरिया ऑफ द व्हाट कंप्लीट सरफेस। ठीक है, तो ये हमारा किसके इक्वल होगा, दैट विल बी इक्वल टू द साई, साई इज व्हाट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दैट क्लोज सरफेस। ठीक है, सो इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे, तो इट इज इफ द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द वॉल्यूम विद ए चार्ज डेंसिटी रो वी, रो वी की यूनिट है कूलम पर मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब, सो द अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी डॉट डी एस। ठीक है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो हमारा गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या कहता है, सरफेस इंटीग्रल वॉल्यूम इंटीग्रल के बराबर होता है, ये आप ऐसे भी देख सकते हैं, जो हमारा चार्ज इनक्लोज हो रहा है सरफेस पे दैट इज डी डॉट डी एस एंड दैट विल बी इक्वल टू व्हाट अगेन रोवी डी वी, ये रोवी डी वी एग्जैक्टली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, साई को रिप्रेजेंट कर रहा है, साई इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दैट सरफेस, और जो कि सरफेस आपका क्या है, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा दैट विल बी व्हाट रोवी डी वी, रोवी इज द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, डी वी इज द वॉल्यूम डिफरेंशियल वॉल्यूम। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा इसके इक्वल, ये एग्जैक्टली गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से आप इसको समझ सकते हैं,
ठीक है, क्योंकि सरफेस इंटीग्रल आपका वॉल्यूम इंटीग्रल के बराबर होता है। अब यहाँ देखिए, हमने दो सरफेस लिया है, एक सरफेस ये लिया है वी वन वॉल्यूम का, एक सरफेस हमने वी टू वॉल्यूम का लिया है। ठीक है, इस वी वन वॉल्यूम वाले सरफेस में हमारे दो चार्ज हैं जो इनसाइड है, दैट इज ऑफ -10 नैनो कूलम और 25 नैनो कूलम। और वी टू वाले में देखेंगे आप तो कोई भी चार्ज हमारा इनसाइड नहीं है, आउटसाइड चार्जेज एग्जिस्ट कर रहे हैं, दैट इज 10 नैनो कूलम और 5 नैनो कूलम। तो अगर हम टोटल फ्लक्स लीविंग फ्रॉम द वॉल्यूम वी वन निकालें, इस वॉल्यूम वी वन से जो हमारा टोटल फ्लक्स लीव करेगा वो हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि फ्लक्स वही लीव करेगा जो अंदर होगा। तो अंदर हमारा क्या है, ये दोनों चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है तो यही चार्ज हमारा इनक्लोज होगा और इसी से फ्लक्स लीव करेगा। ठीक है, तो हमारा जो नेट फ्लक्स लीव करेगा दैट विल बी व्हाट, 25 माइनस 10 दैट विल बी 15 नैनो कूलम। ठीक है, और अगर आप वी टू वाले वॉल्यूम को देखेंगे तो यहाँ पे कोई भी चार्ज अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, सब दोनों ही चार्ज बाहर है। तो यहाँ पे चूंकि अंदर कोई चार्ज नहीं है तो यहाँ से कोई भी फ्लक्स लिंक नहीं करेगा, जब कोई चीज अंदर है ही नहीं, लीव वही चीज करेगी जो अंदर एग्जिस्ट करेगी, जब अंदर कुछ है ही नहीं तो बाहर कहाँ से लीव जाएगा वो। ठीक है, तो इसलिए इसके इसके रेस्पेक्ट में देखेंगे तो जो टोटल फ्लक्स लीव करेगा वो फ्रॉम वॉल्यूम वी टू विल बी जीरो। क्लियर, सो वॉल्यूम वी टू विल बी जीरो। क्लियर, नाउ बाय यूजिंग द डाइवर्जेंस थ्योरम यू नो, अब हमें क्या करना है, हमको यही चीज प्रूफ करना है, यही चीज हम लोग प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जो हमारा गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम है बेसिकली, उसको हम प्रूफ करने की कोशिश करेंगे, सॉरी गॉस लॉ को प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो कैसे प्रूफ करेंगे, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे डाइवर्जेंस थ्योरम से। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को, समझ में आ रहा है बेटा सभी को? हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है बेटा? क्लास आवाज आ रही है? यस सर। हाँ, तो देखिए कैसे प्रूफ करेंगे इसको। हमने स्टार्ट किया गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से। दो क्या कहता है, वो कहता है कि सरफेस इंटीग्रल ऑफ एनी वेक्टर इज इक्वल टू द वॉल डेल डॉट डी, मतलब डेल डॉट दैट वेक्टर, या कह सकते हैं डाइवर्जेंस ऑफ दैट वेक्टर वॉल्यूम इंटीग्रल। क्लियर, वॉल्यूम इंटीग्रल टू द डाइवर्जेंस ऑफ दैट वेक्टर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो पहले हमने डाइवर्जेंस थ्योरम लिया, यहाँ पे हमारा जो वेक्टर है वो क्या है, डी है। डी हम क्यों ले रहे हैं, डी हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी है। ठीक है, यही हमारा वेक्टर है जो कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में टू द सरफेस, तो यही वेक्टर हमारा एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो हमने ले लिया जब इंटीग्रेशन सरफेस इंटीग्रेशन डी डॉट डी एस, इस लाइन को देखिएगा, दिस लाइन। ठीक है, ये लाइन, यहां से एग्जैक्टली आपका प्रूफ शुरू हो रहा है। ठीक, तो इंटीग्रेशन डी डॉट डी एस इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रेशन डेल डॉट डी डी वी, ये सभी को पता है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। अब क्या करना है इसको, ये आप इक्वेशन नंबर 3 हो गया, इसको इक्वेशन नंबर 2 से कंपेयर करना है। इक्वेशन नंबर 2 क्या है, ये है कि नेट चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल डी डॉट डी एस। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो ये डी डॉट डी एस की जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं, ये वॉल्यूम वाला रख सकते हैं, क्यू इज इक्वल टू डी इंटीग्रेशन डी डॉट डी एस इंटीग्रेशन रो वी डी वी लिखा हुआ है। तो हम इस टर्म को, क्योंकि ये डी डॉट डी एस के बराबर है, तो हम इस डी डॉट डी एस इंटीग्रेशन की जगह पे इंटीग्रेशन रो वी डी वी रख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। क्लियर, और आपका राइट साइड यही रहेगा डेल डॉट डी इंटू डी वी, तो ये राइट साइड हो गया। अब आप दोनों साइड देखेंगे, दोनों साइड ही वॉल्यूम इंटीग्रेशन हो रहा है, तो आपका ये डी वी से डी वी कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, चूंकि दोनों साइड सेम वॉल्यूम इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन आपका हट जाएगा। और जो रो वी है, रो वी आपका किसके इक्वल हो जाएगा, डेल डॉट डी के। ये देखिए रो वी इज इक्वल टू डेल डॉट डी। ठीक है, यहां से आ गया रो वी इज इक्वल टू डेल डॉट डी, यही आपकी दिस इज मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन है, ये आपका क्या है मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू डेल डॉट डेल डॉट डी, दिस इज योर मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है,
ठीक है, क्लियर है सभी को? बताइए सभी को क्लियर है? हेलो, यस सर। ठीक है, तो ये मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन है, एक तरह से इसका डेरिवेशन पार्ट हो गया। हमने स्टार्ट कहाँ से किया? गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से किया। उसमें फिर हमने गॉस लॉ को इम्प्लीमेंट किया, मतलब गॉस लॉ को, ये जो हमारा Q इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी डॉट डी एस इज इक्वल टू रो वी डी वी है, ये वैल्यू से हमने इसको कंपेयर किया तो हमको ये रिजल्ट मिल गया, रो वी इज इक्वल टू डेल डॉट डी। ठीक है, अब हम लोग आते हैं इस इक्वेशन नंबर 4 को, अगर आप देखेंगे तो क्या स्टेट करता है, इट स्टेट्स दैट द लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स एमिनेट फ्रॉम एनी पॉइंट इन स्पेस एट विच देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी। क्लियर, ये इसका रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, एक तरह से स्टेटमेंट है। नाउ लेट अस कंसीडर द सरफेस ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस स्मॉल आर। अब हमने क्या किया कि हम एक सरफेस ले रहे हैं, ये देखिए इसकी रेडियस स्मॉल आर है। सो द स्फीयर, नाउ लेट अस कंसीडर द सरफेस ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर। द स्फीयर इंक्लोजेस ए चार्ज क्यू, इसके अंदर देख सकते हैं आप एक चार्ज हमारा क्यू है यहाँ पे। ठीक है, एट इट्स ओरिजिन, ओरिजिन पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी डी, ये हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर आप देखेंगे विद रेस्पेक्ट टू दिस चार्ज विच इज प्लेस्ड एट द सेंटर, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी दोनों की डायरेक्शन सेम होगी। तो ये देखिए दोनों ही इसके नॉर्मल वर्क करेंगे, क्योंकि ये जो चार्ज हमने यहाँ प्लेस किया है ये एक डिफरेंशियल सरफेस पे प्लेस किया है, यहाँ पे डीएस सरफेस है। ठीक है, छोटा सा सरफेस लिया है जहाँ पे हमने एक सेंटर पे एक चार्ज क्यू को प्लेस किया है जो कि स्मॉल आर डिस्टेंस पे है। कहाँ से? सेंटर से, इसकी रेडियस होगी एक तरह से। ठीक है, तो जो नॉर्मल वेक्टर होगा दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। तो ई की वैल्यू आपको पता है 1/4πε0Q/r² हो जाएगा। ये क्यों, क्या कैसे मैंने लिखा है? क्योंकि एक चार्ज है जो कि क्लोज लूप में आर डिस्टेंस पे प्लेस्ड है सेंटर से, तो उस पर्टिकुलर चार्ज आर डिस्टेंस पे अगर हम इंटेंसिटी निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की, सपोज मान लीजिए यहाँ हमने कोई एक पॉइंट पी ले लिया है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पी पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालें, ये आर डिस्टेंस है, तो हमारा आ जाएगा 1/4πε0Q/r² सिमिलरली इफ यू फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी डी, डी हमारा क्या होता है, डी जब अगर आपको ई पता है तो डी भी आप निकाल सकते हैं, डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू ई होता है, ये हमने बताया भी था। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू ई, तो आप ई को, ई आपको पता है, इसको एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर देंगे, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो क्यू अपॉन 4πr² (ar) मिल जाएगा। तो ये दोनों आपका रिजल्ट इधर मिल गया इस डायरेक्शन में। ठीक, अब आपको पता है चूंकि ये स्फेरिकल सरफेस है, तो स्फेरिकल सरफेस के हमने लिए हमने डिफरेंशियल एरिया हम लोगों ने निकाला था, डिफरेंशियल सरफेस एरिया, डिफरेंशियल वॉल्यूम, डिफरेंशियल सरफेस, डिफरेंशियल लेंथ, ये हम लोगों ने फाइंड किया था, याद आ रहा है? स्फेरिकल कोऑर्डिनेट के लिए, ठीक है, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट के लिए और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के लिए। तो हम लोग इस डीएस को वैल्यू यहाँ जो लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ स्फेरिकल कोऑर्डिनेट, क्योंकि ये हमारी स्फेरिकल सरफेस है। ठीक है, तो ds हम लोग, ये हम लोग पहली यूनिट में पढ़ चुके हैं, r² sin θ d θ d φ (ar) हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करना है, आपको d डॉट ds निकालना है, d से मल्टीप्लाई कर दीजिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी से, जब d से मल्टीप्लाई करेंगे और d की वैल्यू आपको पता है q/4πr² (ar) है, तो d की वैल्यू हमने यहाँ ये रख दिया, ये देख सकते हैं आप लोग, इंटू ये वाला टर्म आ जाएगा ds का, दैट इज r² sin θ d θ d φ (ar) ये आ गया। अब यहाँ से देखेंगे आप r² से r² कैंसिल हो गया और ar का ar से मल्टीप्लाई करेंगे डॉट प्रोडक्ट तो 1 मिलेगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट सेम यूनिट वेक्टर्स का 1 हो जाता है, तो ar का ar से करेंगे तो 1 मिलेगा, तो रिजल्ट आपको फाइनल मिलेगा q/4πsin θ d θ d φ। ठीक, ये आ गया d डॉट ds की वैल्यू, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, अब हम चूंकि हमें सरफेस इंटीग्रेशन लेना है तो हम दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे, तो देखिए इधर भी हमने इंटीग्रेट कर दिया d डॉट ds और जो राइट साइड वाला टर्म है इसको भी सरफेस इंटीग्रेशन कर दिया, मतलब दोनों साइड हम सरफेस इंटीग्रेशन कर देंगे,
तो इसी ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सरफेस किससे फॉर्म हो रही है, थीटा और फाई से फॉर्म हो रही है, क्योंकि डी थीटा डी फाई आ रहे हैं आपके डिफरेंशियल टर्म। अब हम क्या करेंगे, जो लिमिट लगाएंगे वो थीटा और फाई की लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि सरफेस इंटीग्रेशन है। तो इसको अगर आप सिंगल इंटीग्रेशन जो क्लोज लूप है इसको आप ब्रेक करेंगे तो दो दो इंटीग्रेशन में ब्रेक होगा, तो सरफेस इंटीग्रेशन में दो इंटीग्रेशन आएंगे, वॉल्यूम में तीन आते हैं, ठीक है। तो इसको हमने दो इंटीग्रेशन में ब्रेक किया, एक इंटीग्रेशन आपका डी थीटा के लिए रहेगा, एक डी फाई के लिए रहेगा। तो थीटा जो आपका लाई करता है वो जीरो से पाई के बीच में लाई करता है, ये हमने बताया था आपको। आर थीटा फाई जो कोऑर्डिनेट होते हैं स्फेरिकल के, वो किस रेंज में लाई करते हैं, ठीक है, ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, थीटा के स्टेट में देखेंगे तो जीरो से पाई लिमिट हो जाएगी साइन थीटा इंटू डी थीटा, और फाई वाले कंपोनेंट पर देखेंगे तो फाई हमारा जीरो से टू पाई लाई करता है इंटू डी फाई। इस इंटीग्रेशन को आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो डी पहले इस वाले को सॉल्व करिएगा जो राइट साइड है, तो जीरो से टू पाई इंटू डी फाई, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा, यहाँ से फाई मिलेगा, फाई पे फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे तो टू पाई माइनस जीरो हो जाएगा, तो जिससे आपको टू पाई मिल जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करेंगे बगल वाले लिमिट को, तो ये साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, बताइए साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है। हेलो क्लास, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा? सर माइनस कॉस थीटा। माइनस कॉस थीटा, वेरी गुड। तो हम यहाँ पे रख देंगे माइनस कॉस थीटा, ये देख सकते हैं आप लोग। एक चीज और देखिएगा आप लोग, ये टू पाई आया था हम लोग का, ये टू पाई था पीछे, देखिए ये टू पाई आ रहा था, टू पाई माइनस जीरो विल बी टू पाई, टू पाई से ये फोर पाई आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, टू टू जा फोर हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जीरो से पाई साइन थीटा डी थीटा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा आ गया, लिमिट जीरो से पाई लग जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस कॉस पाई, और फिर लोअर लिमिट के लिए फिर माइनस आएगा तो यहाँ प्लस आ जाएगा, ठीक है, प्लस कॉस जीरो, ठीक। इसको सॉल्व करेंगे, कॉस 180 का होता है माइनस वन, तो माइनस माइनस करके प्लस वन हो जाएगा, और कॉस जीरो वन होता है, तो ये वन हो गया, वन से वन मिलकर टू हो गया, और टू से टू नीचे कैंसिल हो जाएगा, तो केवल क्यू के बराबर बचेगा ये, देखिए। तो आपका क्यू इज इक्वल टू आ गया इंटीग्रेशन सरफेस इंटीग्रेशन डी डॉट डी एस, लेफ्ट हैंड लेफ्ट साइड क्या है इंटीग्रेशन डी डॉट डी एस, और राइट हैंड साइड आपका क्यू बन गया। तो ये आपका क्या है, ये गॉस लॉ है, बताइए यही गॉस लॉ है ना, प्रूफ हो गया, बताइए गॉस लॉ प्रूफ हो गया बेटा। देखिए गॉस लॉ क्या कहता था, क्यू इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी डॉट डी एस, बताइए प्रूफ हो गया नहीं हो गया। हेलो बताइए, हेलो क्लास आवाज आ रही है, हेलो हेलो क्लास, एम आई ऑडिबल, एम आई ऑडिबल, हेलो, बच्चों को आवाज ही नहीं आ रही है, मैं लग रहा है क्या बेटा, आवाज आ रही है? यस सर, ये समझ में आ गया गॉस लॉ का डेरिवेशन? यस सर, किसी को डाउट तो नहीं है इसमें, डेरिवेशन पूछा no, जाता है, जो ध्यान रखिएगा गॉस लॉ का डेरिवेशन इम्पोर्टेंट है। इसको हमने किससे प्रूफ किया है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से, ठीक है। अब हम लोग आते हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, इसके एप्लीकेशंस क्या हैं। तो एप्लीकेशंस में हम लोग डेरिवेशन पार्ट पे नहीं जाएंगे, इसके मेजर मेजर जो एप्लीकेशन है वो हम लोग देख लेते हैं। तो पहला एप्लीकेशन है कि हम इसको अप्लाई कर सकते हैं फॉर पॉइंट चार्ज के लिए, ठीक है। तो पॉइंट चार्ज के लिए अगर हम इसको देखें तो कैसे अप्लाई करेंगे, यू नो दैट ये डायग्राम आप देख सकते हैं, वी हैव ए स्फेरिकल सरफेस, एक पॉइंट चार्ज है जो कि हमारा यहाँ सेंटर क्यू पे रखा हुआ है क्यू। तो इस पी पॉइंट पे अगर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी डी निकालें या इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी ई निकालें तो हमारा क्या आएगा, वन अपॉन फोर पाई क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू ए आर कैप, ये डी की वैल्यू होगी,
और इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी क्या होगी, क्यू अपॉन फोर बाई आर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू ए आर के। तो ये फॉर पॉइंट चार्ज हो गया हमारा, ठीक है, जो कि किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हम के रेस्पेक्ट में अगर हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी फाइंड करें तो हम निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है लाइन चार्ज। इफ यू टॉक अबाउट लाइन चार्ज, तो देख सकते हैं यहाँ सिलेंड्रिकल सर्फेस है, ठीक है। सिलेंड्रिकल सर्फेस पे देखेंगे तो जो लाइन चार्ज एग्जिस्ट करता है, पहले हम लोगों ने क्या देखा, पहले हम लोगों ने देखा स्फेरिकल सर्फेस, अब हम लोग सिलेंड्रिकल सर्फेस देख रहे हैं। तो सिलेंड्रिकल सर्फेस पे जो डिस्प्लेसमेंट इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी और रो की डायरेक्शन होगी वो एक ही होगी, ये देख सकते हैं हम ds, ये आपका ds है और d, दोनों की एक ही डायरेक्शन है और वो चूंकि सर्कुलर लूप पे एग्जिस्ट करेगा। कहने का मतलब है ये जो सिलेंड्रिकल सर्फेस है इस पे आप इस पे देखेंगे तो इस तरीके से कुछ हमारा रोटेशनल लूप बनेगा, ये इस तरीके से, ठीक, जो बीच वाली सर्फेस सिलेंडर में, ठीक है। बाकी ऊपर की सर्फेस और नीचे की सर्फेस आपकी फिक्स है, ये सर्फेस फिक्स है। यहाँ पे जो देखेंगे आप रोटेशन वाइज देखेंगे, ठीक है, तो इस फुल रोटेशन में जो डी और डी एस की डायरेक्शन होगी वो सेम होगी, ठीक है। तो अगर हम इसको बोलते हैं गॉसियन सर्फेस, बेसिकली सिलेंड्रिकल सर्फेस इज ऑल्सो नोन एज गॉसियन सर्फेस, दिस हैज थ्री फेसेस, पहला हो जाएगा अपर फेस, दूसरा हो जाएगा साइड कर्व्ड फेस और तीसरा हो जाएगा बॉटम सर्फेस। तो ये अपर सर्फेस हो गया, ये साइड कर्व्ड सर्फेस हो गया, ठीक है, और ये नीचे वाला बॉटम सरफेस हो गया, ठीक है। तो अगर हम इलेक्ट्रिक चार्ज जो इनक्लोज हो रहा है इस पूरे सिलेंड्रिकल बॉडी पे अगर हम निकालें तो कैसे निकालेंगे, Q इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, सरफेस इंटीग्रेशन, टॉप पे पहले देखेंगे तो टॉप के रेस्पेक्ट में डी डॉट डी एस प्लस साइड के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो साइड के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन डी डॉट डी एस, फिर बॉटम के रेस्पेक्ट में बॉटम सरफेस इंटीग्रेशन डी डॉट डी एस, ठीक है। अब आप देख सकते हैं अगर आप टॉप सरफेस और नीचे वाली सरफेस के लिए देखेंगे तो थीटा का एंगल 90 डिग्री होगा, क्यों, क्योंकि ये आपका डी है, ये डी की डायरेक्शन है, डी इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी और डी एस आपका ये है, ठीक है। तो डी और डी एस आपस में 90 डिग्री पे होंगे, कहने का मतलब है ये देखिए इस तरह से मैं समझा देता हूँ, ये आपकी सरफेस है, ये सरफेस आपका डी एस हो गया यहाँ पे, ठीक है, और जो नॉर्मल होगा वो इसके परपेंडिकुलर होगा, दैट इज डी। तो डी और डी एस के बीच में कितने का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ये टॉप सरफेस के लिए भी एग्जिस्ट करेगा और बॉटम के लिए भी करेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप बीच वाले को देखेंगे तो ये दिस इज योर कर्व सरफेस, इसमें जो डी और डी एस के बीच का एंगल होगा वो 0 डिग्री होगा, क्योंकि ये एक ही डायरेक्शन में एग्जिस्ट कर रहा है, ये डी है ये डी एस है, दोनों ही एक डायरेक्शन में एग्जिस्ट करेंगे तो इनके बीच का जो एंगल हो जाएगा वो 0 डिग्री हो जाएगा, ठीक, क्लियर। तो इसको फिर हम ये जो डॉट प्रोडक्ट है डी डॉट डी एस, इसको अगर हम देखें तो ए डॉट बी क्या होता है, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, तो डी डॉट डी एस हो जाएगा मॉड डी एस कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू हम क्या रखेंगे, टॉप सरफेस है तो थीटा विल बी 90 डिग्री। ऐसे सिमिलरली साइड वाली सरफेस के लिए देखेंगे जो कि कर्व सरफेस है ये वाला, इसके लिए हो जाएगा डी डॉट डी एस कॉस 0, 0 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये जहाँ पे इस सरफेस पे जो बीच वाला पोर्शन है यहाँ हमारा डी और डी एस के बीच में एंगल 0 डिग्री है, ठीक। इसके बाद आता है बॉटम सरफेस, बॉटम सरफेस में भी हमारा जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा, जैसे ये टॉप सरफेस में बन रहा था, ठीक। अब ये देखेंगे कॉस 90 आपका 0 होता है तो ये दोनों टर्म 0 हो जाएंगे, टॉप और बॉटम वाले, केवल आपका साइड सरफेस एग्जिस्ट करेगा, तो साइड वाले में आपका डी डॉट डी एस कॉस 0 है तो यहाँ से कॉस 0 विल बी 1, दिस विल बी डी डॉट डी एस, और डी एस जो आप रखेंगे वो क्या रखेंगे, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट का रखेंगे। तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में हमने आपको जो डिफरेंशियल सरफेस बताया था वो क्या बताया था, रो डी फाई डी जेड, ठीक है, एक सरफेस के लिए कर्व सरफेस वाला जो पोर्शन था उसमें जो डिफरेंशियल सरफेस था रो डी फाई डी जेड था, ठीक है। तो ये डी डॉट रो डी फाई डी जेड आ जाएगा और यहाँ जो लिमिट्स लगेंगी वो डी फाई और डी जेड की लगेंगी, तो फाई जो आपका लाई करता है 0 से 2 पाई लाई करता है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में, और जेड आपका 0 से लेके इनफाइनाइट तक लाई करता है, ठीक है। तो यहाँ तो लेंथ हमारी जो है वो एल लेंथ है, ये जो लेंथ है ये आपकी एल है, ठीक है।
तो हमारी जो लेंथ हो जाएगी मैक्सिमम लेंथ एल है, तो इसका मतलब हमारा जीरो से लेके एल तक हम जा रहे हैं, ठीक है। हमने इंटीग्रेशन जीरो टू एल लिख लिया और इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो डी फाई वाले को इंटीग्रेट पहले करेंगे तो डी फाई का इंटीग्रेशन फाई आ जाएगा, फिर इस पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे तो टू पाई माइनस जीरो, दिस विल गिव यू रिजल्ट टू पाई। सिमिलरली ये जो डी जेड वाला पार्ट है इसका इंटीग्रेशन जेड आ जाएगा, इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे तो एल माइनस जीरो हो जाएगा, दैट इज एल। तो यहाँ से जो रिजल्ट बनेगा वो एल इंटू टू पाई मिलेगा, तो डी इंटू रो इंटू एल इंटू टू पाई, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखेंगे तो लेंथ वेक्टर सॉरी लेंथ जो है दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, ये लेंथ आपके या डिफरेंशियल लेंथ विल बी इक्वल टू दिस लेंथ, दोनों लेंथ हैं आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो जो सिमिलर आपका डी बचेगा रो एल अपॉन टू पाई रो बचेगा, ठीक है। और डी को हम लोग लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट इंटू ई, इस डी को लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट इंटू ई, तो यहाँ से ई की वैल्यू जो आ जाएगी वह एप्सिलॉन नॉट यहाँ चला जाएगा बॉटम में, तो रो एल अपॉन टू पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू रो बच जाएगा, ठीक है। बताइए समझ में आ रहा है? हेलो समझ में आ रहा है ये? यस सर। ठीक है, अब थर्ड एप्लीकेशन पे आते हैं, वो दूसरा एप्लीकेशन था। पहला एप्लीकेशन हम लोगों ने देखा था, एक मिनट, पहला एप्लीकेशन हम लोगों ने देखा पॉइंट चार्ज जो कि सरफेस पे एग्जिस्ट कर रहा है सेंटर पे, उसके रेस्पेक्ट में डी और ई की वैल्यू हमने निकाला यूजिंग गॉस लॉ। सेकेंड जो हमने एप्लीकेशन देखा वो लाइन चार्ज के लिए देखा फॉर ए सिलेंड्रिकल सरफेस, ठीक है। तो उसके बाद हमने डी और ई की वैल्यू निकाल लिया, ठीक है। अब थर्ड जो केस है वो है कोएक्सियल केबल के लिए। कोएक्सियल केबल सभी को पता है, कोएक्सियल केबल क्या होती है? व्हाट इज कोएक्सियल केबल, कौन बताएगा? बताइए। हेलो। यस सर। कोएक्सियल केबल पढ़ा है ना हम लोगों ने? यस सर। क्या होता है कोएक्सियल केबल? कोएक्सियल केबल हमारी ट्रांसमिशन केबल है जिसके थ्रू हम सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है, ठीक है। जैसे ऑप्टिकल फाइबर केबल आप लोगों ने पढ़ा है, कोएक्सियल केबल ही जो बहुत थिन होती, ठीक है। तो उस केस में अगर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी डी निकालेंगे तो हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं क्योंकि इसमें डेरिवेशन पार्ट पे हम नहीं जाएंगे, सीधे याद रखिएगा। एक थर्ड एप्लीकेशन जो होता है गॉस लॉ का, दैट इज फॉर कोएक्सियल केबल वी कैन फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी डी दैट विल बी इक्वल टू द लाइन चार्ज डेंसिटी बाई 2 पाई इंटू रो, रो इज द रेडियल वेक्टर, ठीक है, दो रो आ गया, इंटू ए रो कैप, ठीक। सिमिलरली एक्चुअली जो कोएक्सियल केबल होता है ये भी कुछ सिलेंड्रिकल शेप में होता है, अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से होती है कोएक्सियल केबल, अगर आपने देखा हो, ठीक है। तो ये भी कुछ कुछ सिलेंड्रिकल शेप को फॉलो करता है। इसमें भी तीन सर्फेस बनती है हमारी, एक तो ये बीच वाली सर्फेस, ये सर्फेस और ये सर्फेस, ठीक है। तो इसके वजह से हम जो निकालेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी डी वो आ जाएगा रो एल अपॉन टू पाई रो इंटू ए रो कैप, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा है यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर, जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है, इसमें भी हमारे दो केस बनेंगे। एक केस बनेगा जिसमें हमारा आर की वैल्यू जीरो से ए के बीच लाई करेगी, और एक केस बनेगा जिसमें आर हमारा ग्रेटर देन ए होगा। ए क्या है, ए आप यहाँ से देख सकते हैं, ये दो डायग्राम हमने बनाए हैं, दोनों ही गॉसियन सरफेस है। एक में हमारा जो इनर वाला हमारा ये सरफेस है इसकी रेडियस आर है, जो आउटर सरफेस उसकी रेडियस ए है। सिमिलरली इस वाले को देखेंगे तो यहाँ इनर सरफेस की रेडियस ए है, आउटर सरफेस की रेडियस आर है। तो इस वाले डायग्राम में अगर आप देखेंगे तो आर हमारा ग्रेटर देन ए है, और ऊपर वाले डायग्राम में देखेंगे तो ए इज ग्रेटर देन आर है, ठीक है। तो दोनों कंडीशन हमने लगाया है, एक बार जब आर हमारा लेस देन ए है, एक बार आर हमारा ग्रेटर देन ए है, ठीक है। तो ये हमारी दोनों कंडीशन में इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी डी की वैल्यू हमने निकाला है, ठीक है, फॉर यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर, जिसमें कि यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर का मतलब क्या होता है कि इस पूरे सरफेस पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, मतलब हर जगह चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है, पूरे सरफेस पे लाइक दिस, ठीक है, कंप्लीट सरफेस पे आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है, क्लियर।
बताइए, समझ में आ गया? तो ये सब हमारे गॉस लॉ के एप्लीकेशन हो गए। यहाँ तक किसी को दिक्कत? तो चार एप्लीकेशन हो गए आपके गॉस लॉ के, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आते हैं जो नेक्स्ट हमारा पार्ट है, हेलो आवाज आ रही बेटा? यस सर। ठीक है, एक हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं किसी में, ठीक है। क्वेश्चन करके फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें, रुक जाइएगा जरा। हाँ तो एक न्यूमेरिकल लिखिए सभी लोग, द फ्लक्स डेंसिटी। आवाज आ रही है सभी को? आवाज आ रही है बेटा सभी को? एक क्वेश्चन कर लीजिए, द फ्लक्स डेंसिटी, हो सकता है ट्यूट में भी ये क्वेश्चन हो, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है पर देख लीजिएगा, द फ्लक्स डेंसिटी विद इन द सिलेंड्रिकल वॉल्यूम bounded by r is equal to 2 meter, bounded by r is equal to 2 meter, z is equal to 0 and z is equal to 5 meter, ठीक है, is given by d is equal to 30 e की पावर माइनस r ए आर कैप माइनस 2z ए जेड कैप, ठीक है। व्हाट इज द क्वेश्चन में जो ये तो स्टेटमेंट हो गया, फाइंड क्या करना है? व्हाट इज द टोटल आउटवर्ड फ्लक्स क्रॉसिंग द सरफेस ऑफ द सिलेंडर, कैसे करेंगे इसको बताइए, कैसे करेंगे बेटा? टोटल आउटवर्ड फ्लक्स निकालना है जो सरफेस को क्रॉस कर रहा हो, सिलेंड्रिकल सरफेस को। कहने का मतलब है एक आपकी सिलेंड्रिकल सरफेस है, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है। तो इन्होंने कहा है कि जो फ्लक्स डेंसिटी विद इन द सिलेंड्रिकल वॉल्यूम बाउंडेड बाई आर इज इक्वल टू 2 meter, ठीक है, आर इज इक्वल टू 2 meter, दिस इज योर आर, is given by d is equal to, ये flux density given है, ठीक है, d की value ये आप लोग को given है, ठीक, z is equal to 0 से लेके z is equal to 5 meter तक है, तो ये मान लीजिए z is equal to 0 से लेके z is equal to 5 meter तक है, ठीक है, is given by d की value आपको given है, ठीक है, is given by d is equal to this। तो कैसे सॉल्व करेंगे? गॉस लॉ यूज करेंगे। फ्लक्स जो लीव करेगा, गॉस लॉ क्या कहता है, द टोटल फ्लक्स लीव फ्रॉम द क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द enclosed चार्ज बाई दैट सरफेस, यही तो होता है। तो फ्लक्स लीव निकालना है तो हम इसका मतलब को साई की वैल्यू निकालनी है, क्या निकालनी है, साई, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ द टोटल आउटवर्ड फ्लक्स इज क्या होता है, टोटल आउटवर्ड फ्लक्स,